नमस्ते, जय हिंद, खमागणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विलायत बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पे आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हाथोज एरिया के अंदर, किशोरपुरा रोड के ऊपर है ये। आप देख सकते हैं किशोरपुरा रोड से हार्डली ये 400 मीटर अंदर है और आप देख सकते हो ये डुप्लेक्स है, सेमी डुप्लेक्स है, 73 वर्ग गज में है। और अगर डिस्टेंस वाइज देखें तो रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से इसका डिस्टेंस पड़ेगा 16 किलोमीटर और वहीं अगर 200 फीट बाईपास अजमेर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से देखा जाए तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा। बिजली वगैरह सब है यहाँ पर और पूरी आप कॉलोनी देख सकते हो। एक बार ये यहाँ पर सभी मकान वगैरह सब बने हुए हैं, रिहायशी एरिया है तो, और लो बजट का मकान है तो इसका पूरा विजिट कराऊंगा मैं अभी अंदर से आपको और पूरी डिटेल दूंगा मैं, बने रहे वीडियो के अंत तक। तो आप देख सकते हैं, देख सकते हो आप, ये है पार्किंग एरिया। इसका फ्रंट देख सकते हो आप, 13.5x50 साइज है इसकी और ये काफी स्पेशियस पार्किंग है जहां पर एक फोर व्हीलर खड़ा होने के बाद भी एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा। और इसी से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है पानी का वाटर टैंक। बाहर से जीना है स्टील की रेलिंग है और ग्रेनाइट का जीना है, आप देख सकते हैं बाहर से स्टेयर्स है। इसी के साथ जैसे ही हमने एंटर किया आप देख सकते हैं ये है डाइनिंग हॉल, प्रीमियम कलर है, वेट्रीफाइड टाइल्स है। और इसी के साथ आप देख सकते हो ये ईस्ट फेसिंग मकान है जिसके अंदर वास्तु के अकॉर्डिंग है और ये आप देख सकते हैं ये है किचन, मॉड्यूलर किचन है, पूरा फर्नीचर वगैरह सब लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ट्रॉली वगैरह सब लगी हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं मिक्सर है और सिंक लगा हुआ है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप ये रखने के लिए सामान रखने के लिए बनाया हुआ है और यहाँ पर चिमनी के लिए स्पेस दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे बेहतरीन और बढ़िया यूटिलाइज जगह है जो बहुत जगह नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं फ्रिज के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है। मास्टर बेडरूम में एक बेहतरीन लुक है, शानदार लुक है, आप देख सकते हैं रॉयल कलर में डिजाइन है, फॉल सीलिंग है, आप देख सकते हैं ये बेहतरीन डिजाइन जो आप, या आप देख सकते हैं पीओपी में डिजाइन है जो कि एक नया लुक आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और इसकी अगर साइज की बात करूं तो 10x14 का रूम है ये। आप देख सकते हैं काफी रोशनी है, एसी फिटिंग दी हुई है इसके अंदर। ये था ग्राउंड फ्लोर, अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये है स्टील की रेलिंग और ग्रेनाइट का जीना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ये मकान जो है ये 73 वर्ग गज में है और इसकी साइज जो है 13.5x50 है और इसकी जो कीमत है वो मात्र 20 लाख रुपए के अंदर ये मकान है, नेगोशिएबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ ऊपर जहाँ से आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा। देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं छत पे, ये छत पे देख सकते हैं यहाँ पर टाइल्स लगाई हुई है रूफ पे, छत के ऊपर पूरी टाइल्स लगाई हुई है और ये बाथरूम है। ये देख सकते हैं इंडियन टॉयलेट है, ये देख सकते हैं बैक साइड का एरिया, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे मकान बने हुए हैं, रिहायशी एरिया है, रहने लायक जगह है और बहुत ही कम बजट में बेहतरीन मकान है।
तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ फ्रंट का, जो कि इसके अंदर एक ऊपर रूम बना हुआ है, ऊपर एक बेडरूम सेट है जिसमें एक रूम है, एक किचन है और टॉयलेट है। आप चाहे तो इसको रेंट पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये है किचन जो कि नीचे था, सेम उसी तरह से किचन बनाया हुआ है। और इसी के साथ ये बेडरूम, साइज 10x12 है और वॉल सीलिंग वगैरह सब किया हुआ है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है मकान में। इसी के साथ आप देख सकते हैं अटैच टू ये है बैल्कनी, ऊपर वुडन कलर किया हुआ है और यहां पर ये जाली दी हुई है जो कि इसके लुक को और भी बेहतरीन करता है। इसी के सामने सामने फ्रंट में देख सकते हैं आप सारे मकान वगैरह सब बने हुए हैं, अच्छी कॉलोनी है, एडजॉइन है ये। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद हो तो इसमें नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप कॉल करके साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।